आज के जमाने में हर इंसान शांति जरूर चाहता है और वो शांत जगह जरूर खोजा करता है, बट ये आइडिया इतनी दूर तक और इतना खतरनाक चला जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे शांत प्लेस, जहां आप अपने दिल की धड़कनें सुन सकते हैं, यहां तक अपने फेफड़ों की भी आवाज सुन सकते हैं और अपने पेट की आवाज सुन सकते हैं और अपने हड्डियों तक आवाज सुन सकते हैं। और यहां हर कोई ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। और ये रिकॉर्ड दोस्तों 45 मिनट तक रुक के एक इंसान ने बनाया था। और अगर यहाँ कोई इंसान ज्यादा देर तक रुकता है तो उसको घबराहट होने लगती है। चलिए दोस्तों आपको हम इस कमरे के बारे में बताते हैं। ये रूम दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर जो कि लोकेटेड है रेडमंड वॉशिंगटन में। यहाँ जितनी भी साउंड बाहर से आती है वो कम्प्लीटली लॉक रहती है और जो भी साउंड अंदर होती है वो भी कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। और इसको एनाकोइक चेंबर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कोई इंसान इस रूम के अंदर जाता है उसको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, जैसे कि यहाँ से वो बस भाग निकल जाए। बहुत लोग को तो ऐसा लगता है कि उनके कान में कुछ बज रहा है, यहाँ तक कि आप अपना हाथ भी हिला रहे हैं या अपना सर भी मोड़ रहे हैं तो आपको उसकी आवाज आती है। उन हड्डियों की हिलने की और मसल्स के हिलने की आवाज आपको आती है। ये रूम एक अनियन लाइक स्ट्रक्चर से पूरा डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से बाहर से जो भी साउंड आती है वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाती है। यहाँ 6 लेयर ऑफ कंक्रीट भी यूज किया गया है इस झील के साथ। और यहाँ बहुत सारी डैम्पिंग स्प्रिंग्स लगी है ताकि कोई भी वाइब्रेशन आता है तो उसको रोक ले। और जो फ्लोर है जहाँ साउंड एब्जॉर्बिंग सस्पेंडेड केबल्स लगी हुई है और इसको बनाने में लगभग 1.5 साल लगे थे। हैरानी की बात है यहाँ की जो नॉइस लेवल जब मेजर की गई थी ये -20.3 dBA थी। और आप सोच सकते हैं ये बहुत ही कम हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का चेंबर ये दोस्तों रजिस्टर्ड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। 2015 में इसको ये खिताब मिला था दुनिया का सबसे क्वाइटेस्ट रूम। आप भी सोचते होंगे आखिर ये रूम क्यों बनाया गया। चलिए आपको बताते हैं। ये बनाया गया था बहुत से प्रोडक्ट और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, ताकि वहाँ के जो भी इंजीनियर्स हैं ये मेजर कर सके कि उनका प्रोडक्ट या कोई एक्सपेरिमेंट में कितनी नॉइस है। माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑडियो इक्विपमेंट जैसे माइक्रोफोन, रिसीवर, हेडफोन, स्पीकर और उनके कीबोर्ड के क्लिक करने के लिए चेक करती है कि आखिर वो कितना साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक कि मशहूर माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल, होलोलेंस, वीआर गॉगल्स भी यहाँ चेक किए जा चुके हैं। और इस कमरे का प्रयोग कई वाहन निर्माता कंपनियों के अलावा कई एस्ट्रोनॉट्स भी किया करते हैं, ताकि ये पता लगा ले आखिर अंतरिक्ष में कैसा व्यवहार होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में भी ऐसे ही वातावरण रहता है कि वहाँ लगभग 0 नॉइस रहती है। कई बाइक कंपनियां भी इस कमरे का प्रयोग करती है अपनी बाइक टेस्ट करने के लिए।